हरि ओम हरि ओम। ए प्रभु कब करेगा ठंड कम, ए भगवान। वन टू चा चा चा। बाबू जी क्या डंडे बाबू जी है, अपन को तो लगती नहीं, अपन तो होट हो रहा है बिल्कुल। इसमें भी गर्मी लग रही मेरे को तो, क्या सोचा अभी निकालूंगा घर जाके क्या। हाँ बाबू जी, बाबू जी। क्या बात है बाबू जी, आज तो आपने हमारी लॉटरी लगा दी है। अरे मतलब सूरज और चांद दोनों साथ में। बाबू जी आप चांद से कम थोड़ी हो, मान लिए मेरा चांद मुझे फेवरेट गाना है, फेवरेट। आया है नजर, बढ़िया धूप निकली आज। हाँ मैंने भी सोचा था ना जादू बन जा धूप, ऐसा करता नहीं वो पगला पिक्चर ऋतिक रोशन तो अपन पहले से ही है, तो मैंने कहा जादू ही बन जाओ है, थोड़ी धूप ले लो एनर्जी आ जाएगी बढ़िया। भाभी चल गई। मेरा चांद मुझे ला भाई। पप्पू नाश्ता लगा बेटा है, कितना दिन हो गया यार घर से निकला ही नहीं मैं, ऐसा लग रहा है नई जिंदगी मिल गई हो है, इतनी गर्मी पड़ रही है। अरे पगले सरकास्टिक जोक नहीं पता क्या तेरे को है, अरे थोड़ा थोड़ी उन करते ना आजकल ये ठंडी का गर्मी, गर्मी का ठंडी ऐसा करते ना। हाँ उसको तो कहते हैं तू पागल साला, कुछ नहीं पता तेरे को। इस बार मेरे को लग रहा है पप्पू ये भगवान ने जिसको भी डिपार्टमेंट दिया ना ये सर्दी वाला, वो है ना नाराज है ह्यूमन से। हाँ वो ज्यादा नाराज है। अबे तभी तो इतनी गर्मी पड़ रही है। अबे अभी अभी बता ना तेरे को सरकास्टिक जोक, तो ऐसी बात है। तेरी कसम पप्पू जीवन में इतना सेवड़ा नहीं आया मेरे को जो इस बार की सर्दी में आ गया। रोज उतना दड़ी भर का मैं सेवड़ा निकाल रहे हो रोज सुबह शाम, फिर साला वो नली भरा जा रही रोज। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये भरा कैसे रही, ये इतना शरीर मेरा इतना सेवड़ा बना कैसे रहा साला है, किधर से मतलब मैं कितना छिड़कू बता कितना निकालू। इतनी सर्दी, सर्दी तो ठीक है ठीक है, बारिश भी साथ में, ये ठंड कम थी जो बारिश चालू कर दी है। ये जो मैं बता रहा ना ये जिसको डिपार्टमेंट दिया है इस बार भगवान ने, बहुत नाराजगी है उनको, बहुत ह्यूमन से बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। खास खास के तेरी कसम मेरे को इधर ना बिस्किट आने लग गए, क्या मेरे प्रॉपर इतने बड़े बड़े बिस्किट आ रहे हैं, इतना मैं दिन भर एक निकल गया होगा अभी के अभी, ये ऐसा हो रहा मेरे साथ। अब तू ही बता कि ये अंत नहीं है दुनिया का तो क्या है, है ना अंत फिर। और अगर वो उठाने वाला ऊपर समझदार होएगा तो ठीक है, और नहीं होएगा तो क्या कह दिया था यार ने। ये जैसे अपने स्कूल और कॉलेज वगैरह में ये होते हैं ना अटेंडेंस ABCD से चालू होते हैं नंबर ऐसे ही, और अगर ये ऐसे उठाने में भी यही करे अगर, तो फिर तेरा तो तू तो बच जाएगा साला, तू तो पी से और मैं जी से हूँ। फिर मेरे को यार जेड से नाम रखना था मेरे को, है ना, गट्टू का झट्टू, झट्टू नाम होता मेरा तो दुनिया के अंत में मेरे को उठाया जाता, कितना बढ़िया रहता। चला तू तू बच जाएगा, है ना, पहले मैं जाऊंगा, जो मैं तेरे जो ज्ञान दे रहा हूँ वही पहले फंसे, ज्ञान ही नहीं दूंगा आपसे साला। ये कोरोना का चक्कर फिर चालू हो गया यार साला, बहुत परेशान हो गए। तेरे भाभी के जैसा है बिल्कुल ढीठ एकदम, वो भी नहीं जाती मेरे को छोड़ के उसके मायके, ये भी नहीं जा रहा साला। थोड़ा तो मतलब सांस लेने का तो स्पेस होना चाहिए ना जीवन में इंसान के। कोरोना का नाम ना तेरे भाभी, तेरे भाभी का नाम होता ये तो गुलाब का फूल का रख रखा ना तूने, ये भी खाने लग गया था आजकल लोग बाग। अच्छा वैलेंटाइन डे, क्या बात है। और अभी जो 26 जनवरी आके गई है उस दिन तो तूने कोई झंडा वंडा नहीं रखे इतने सारे, 26 जनवरी का कुछ याद नहीं है, यह तो बड़ा शौक में रख लिया तुमने। अभी सरहद पे जाने को तुमको बोलेंगे तो तुम्हारी तो गाड़ी खराब हो जाएगी ना तुम्हारी। हाँ सरहद पे तो गाड़ी चलाएगा ना बगले। हाँ वही कह रहा वहाँ थोड़ा ध्यान दो बेटा है, देश का भी थोड़ा सोचो, देश का नौजवान हो तुम, फूल गुलाब पत्ती है। तूने वो गाना सुना है जब हम जब आओगे जाने का होंगे, सुना है तो बता क्या होंगे घर पे पगले। अब कोरोना ने क्या है बाहर डिजाइन डाल रखी है पप्पू, तो अपन क्या होंगे घर में। हाँ ये जो सिंगर है ना जिसने गाया होगा गाना, उसको भी नहीं पता होगा साला कि ये ऐसा डिजाइन डाल देगा कोरोना आके और इसके पूरे गाने की नाच हो जाएगी। है कि नहीं, जब हम जमा होंगे
घर पे बाथरूम में क्यों ना ये जो लोग ये ठंडी में कम्बल वम्बल बांटते हैं कपड़े वपड़े फ्री में बांटते हैं ये सब है। बढ़िया यार बढ़िया बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यार है। भगवान इनको मतलब सब लग जाए उनको जो चाहिए वो है। हाँ सही है। तो ये लोग पप्पू ये कपड़े वपड़े बांटते बस मतलब ये थोड़ा है देता क्या नहीं। अरे मेरे को लगा कि थोड़ा गर्मी के इससे तो आ जाए इससे भी थोड़ा आ जाता कि नहीं अपना तो तेरे को पता ही है। अरे मजाक कर रहा हूँ यार है। समझ गया ना तू पर मेरा फीलिंग समझा कि नहीं। हाँ सकरात में कितनी कटी है। अबे पगले पतंग नहीं तेरी उंगली पतंग काट लगा के तू है तेरा बस की नहीं है बेटे। तू खाना खाते खाते जीबान काट ले वही बहुत है तेरे लिए ना उसमें ही तू खुश हो रहा है। बड़ा आया वहाँ पतंग काटेगा। वैक्सीन लगवाई कि नहीं है चालू हो गई पता है कि नहीं। हाँ 18 साल से छोटों के लिए वैक्सीनेशन चालू हो गया है। हाँ तू क्या करना हाँ पश्चिम की बढ़िया टी शर्ट खरीदे एकदम टिप टाप नहीं एकदम वो नियान चल रहा है ना कलर बढ़िया हाँ वो लेके जाना हाँ पश्चिम हाँ हाँ क्योंकि क्या ऐसा नहीं करना पड़ेगा ना तेरे को वहीं के वहीं इधर लग जाएगा टीका। फोन तो तेरे पास बढ़िया है ही एक है ना हाँ एक छोरा साथ में लेके जाना तेरा दोस्त यार किसी को पकड़ लेना साथ में और उसको कहना कि जैसी इधर टोचे हो तू यूँ करके यूँ स्माइल के साथ ऐसे और फोटो के वीडियो जो भी तेरे को मतलब सुविधा में हो वो कराना तू ठीक है और वो डालना तू तेरा सारे सोशल साइट पे वो सब जगह तू फैला देना क्योंकि क्या है जो फोटो नहीं डालते ना उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता तेरा मानेंगे ही नहीं कि तेरा टीकाकरण हो गया है तेरे को क्या फिर मतलब नहीं रहेगा ना बेटा तू इतना मतलब बड़ा वैक्सीनेशन कर रहा तो जमाने को बताना जरूरी है। हाँ मैंने भी नहीं करा था तो फिर दिक्कत हो गई थी। हाँ फिर तो तू मैंने तेरे को एडवाइस दे दी अब तेरे को पता है तेरे को क्या करना है ना। हाँ तो तू आज ही चले जा शॉपिंग पे फिर आप अस्तिन की बढ़िया टी शर्ट छक्का से लेके आना है ना। चल चलू यार है ना। हाँ वो रुआबजे की बाटल उनको जरा धूप में रखना है यार बहुत शौक से लाया था क्या तेरी भाभी को इतनी पसंद है बाकी ऐसा लग रहा है कि गर्मी आते आते तक तो कलर ही छोड़ देगी वो कि कलर आएगा कि नहीं मेरे रुआबजे में मेरे को नहीं लगता आएगा है नहीं लाती पड़ेगी बाटल। प्रभु कम करो भाई ठंडी क्या कर रहे हैं। चल ध्यान रख पप्पू है ना तुम लोग भी भाई स्वेटर वेटर पहन के भाभी जी आपको क्या जरूरत है।